उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार को हापुड़ में कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के हित के लिए जितने अधिक काम किए हैं उतने पिछली सरकारों ने नहीं किए। उन्होंने मोदी और योगी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कार्यान्वित योजनाओं को गिनाया। प्रदेश राज्य मंत्री हापुड़ में भाजपा अनुसूचित जाति के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व चेयरमैन भारती भारती जी, विधानसभा गढ़ के भारी भाई अशोक नागर जी, सब मानित मंच कार्यक्रम मित्रों, बाबा कसम है समाज के सभी वर्गों को नमन करता हूँ और आपको याद कराना चाहता हूँ। नगरपालिका परिषद हापुड़ की पूर्व चेयरमैन मालती भारती ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए हैं आज वो दुनिया में मिसाल बने हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, देखिए जैसे भी अभी मेरी बहन कविता जी ने भी बताया, उससे पहले मुंशीलाल जैन जी ने भी बताया कि यदि कहीं महिलाओं का सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, बेटियों का सम्मान की बात करती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का, भाइयों की सुरक्षा की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। अब से पहले किसी भी सरकार में आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी को इस बात का जरा तनिक भी एहसास हुआ हो कि मेरी माता या बहनें घर के बाहर शौच के लिए जाती हैं और उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ में व्यवहार होता है उसकी चिंता यदि की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमाचार्य श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने की और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने की। आप सभी लोग इसके गवाह हैं। 2 अप्रैल संघर्ष समिति हापुड़ के पदाधिकारियों ने प्रदेश राज्य मंत्री को एक ज्ञापन देकर 2 अप्रैल 2018 में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। 2 अप्रैल 2018 भारत बंद SC ST एक्ट को लेकर के जो हुआ था 18 में उसके मुकदमे की वापसी के लिए आज मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है जिसमें 2 अप्रैल संघर्ष समिति के सभी सम्मानित साथी उपस्थित रहे हैं। माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं